फिरोज खान ने अपनी फिल्म के लिए श्रीदेवी को कैसे मनाया। फिरोज खान अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों को काफी ग्लैमरस तरीके से पेश करते रहे हैं। इस कोशिश में अक्सर उनकी हीरोइनें किसी न किसी विवाद में फंसती रही हैं। जामबाज में डिंपल कपाड़िया, दयावान में माधुरी दीक्षित, तो यलगार में नगमा ने प्रदर्शन की सारी हद लांघ दी थी। फिरोज खान के इसी रेपुटेशन के कारण ज्यादातर अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने से कतराती थी। लेकिन फिरोज खान का करिश्मा ऐसा था कि वो जिन्हें चाहते अपनी फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर ही लेते। फिल्म जामबाज में उन्होंने श्रीदेवी को अपने इसी करिश्मे से काम करने के लिए राजी किया। फिरोज खान जामबाज में जीना अम्मान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खान पर फिल्म में श्रीदेवी को लेने का दबाव बना दिया। श्रीदेवी का करियर उन दिनों उफान पर था और वो कामयाबी की गारंटी मानी जाने लगी थी। फिरोज खान श्रीदेवी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात न मानने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने फिल्म के लिए श्रीदेवी से बात शुरू की। खान साहब का ये ऑफर श्रीदेवी को पसंद नहीं आया क्योंकि ये रोल गेस्ट अपीयरेंस जैसा था, तो श्री ने मना कर दिया। और फिरोज साहब जब कुछ ठान लेते तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। श्रीदेवी के इनकार के बाद फिरोज ने श्रीदेवी की माँ से बात की। दरअसल फिरोज खान काफी अच्छी तमिल बोलते थे। श्रीदेवी की माँ फिरोज खान के तमिल ज्ञान से काफी प्रभावित हुई और उन्होंने श्रीदेवी को उनके साथ काम करने के लिए राजी कर लिया। श्रीदेवी को भी फिरोज खान का तमिल ज्ञान इतना भाया कि उन्होंने पूरी फिल्म में खान साहब के मुताबिक काम किया, लेकिन इससे उन्हें ही ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि फिल्म की कामयाबी का पूरा क्रेडिट डिंपल कपाड़िया को मिला। इस फिल्म में डिंपल और अनिल कपूर के इंटीमेट सीन्स के सामने श्रीदेवी का सारा करिश्मा धुल गया। श्रीदेवी इससे इतनी नाराज हुई कि उन्होंने खान साहब के साथ फिल्म यलगार में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस फिल्म में नगमा को लिया गया था।